savior of the whole world, Srila Prabhupada ki. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktarund ki. Namacharya Srila Haridas Thakur ki. Kaliyuga Pavan Chaitanya Mahaprabhu ki. Kaliyuga Pavan Hare Krishna Mahamantra ki. Golokera Prema Dhanaharinam Sankirtana ki. Tribhuvana Mangal Harinam Sankirtana ki. Jai Sri Sri Nithai Gaur Chandra Bhagavan ki. Jai Sri Sri Radha Madan Mohan Lalita Vishakha Devi ki. Jai Krishna Balaram ki. Nithai Gaur Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrutya Naram Cheva Narottama Devim Sarasvatim Vyasa Tato Jaya Mudirai Nashta Praeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtike Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Shirade Vrindavaneshwari Vishvanu Sute Devi Pranamami Hari Pri Vancha Kalpataru Bhascha Krupa Sindhu Bhuvacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktarunda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज इस दूसरे दिन के कार्यक्रम में हम यही विषय को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे, श्रवण का महत्व क्या है। आध्यात्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण और कीर्तन। तो जैसे हमने कल बताया, श्रवण शब्द आती है संस्कृत शब्द चरवण से, इसलिए भक्त को उपमा दी गई है, तुलना की गई भक्त की गैया के समान। गैया जैसे चबात कर मीठे दूध को उत्पन्न करती है, बनाती है, वैसे भक्त को जो भी हम सुनते हैं उस पर मनन चिंतन करके बुद्धि को चालना देकर हमें उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों से इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। तो जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन हमने कल बताया, श्रवण और कीर्तन। क्योंकि भक्ति की शुरुआत होती है नविदा भक्ति की, श्रवणम कीर्तनम विष्णु से। तो ये विधि है, कोई कार्य नहीं है। विधि यानी निरंतर चलने वाला, सारी जिंदगी कम पड़ेगी सुनकर इसको जीवन में उतारने के लिए। उसके बाद हमने चर्चा की कल कि बाकी सभी सात जो विधियां है भक्ति की, ये दो छोड़कर श्रवण कीर्तन, वो पूरी तरह से निर्भर है पहले दो पर, श्रवण और कीर्तन। और श्रवण और कीर्तन से आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार दोनों साथ में चलते हैं। उदाहरण के लिए हमने बताया, जैसे माताएं आईने के सामने श्रृंगार करती है, श्रृंगार करते समय माथे पे बिंदी लगाने से आईने में बिंदी दिखाई पड़ती है। उसके बाद हमने चर्चा की कि ये व्यक्तिगत सेवा है, खुद को करना है, हमारे लिए कोई ये नहीं कर सकता, या भाड़े पे लोग हम नहीं ला सकते ये करने के लिए श्रवण कीर्तन। बाकी सभी सेवा के लिए हम पैसे देकर लोगों को लगा सकते हैं सेवा करने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुजारी सेवा, कुकिंग सेवा, जितने भी सेवा है। क्यों? एक व्यक्ति का करना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है हम कितने पानी में हैं, हम कितने गंदे नाले के कीड़े हैं, हम में अनर्थ कितने हैं। तो अनर्थ खुद को दूर करना है, खुद साधना करके। इसलिए सभी साधनाओं में राजा कौन है? हियरिंग एंड चैंटिंग। किंग ऑफ ऑल साधना इज हियरिंग एंड चैंटिंग। उसके बाद हमने चर्चा की कि किस प्रकार जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक बोल नहीं पाएंगे। उदाहरण क्या बताया हमने? जो आदमी बहरा होता है, सुन नहीं पाता, वो कभी बोल नहीं पाएगा, स्वाभाविक है। और उसके बाद हमने चर्चा की रुक्मिणी की हरण की कथा, उसमें हमने चार कदम बताए जो रुक्मिणी ने लिए। पहला कदम क्या था? मन के षड्यंत्र को जानना। दूसरा कदम था तुरंत खत लिखा। खत कौन सी भाषा में था? संस्कृत। ऐसे महाप्रभु हमें सिखलाने के लिए आए भगवान को प्रेम पत्र कैसे लिखना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, क्योंकि महामंत्र भी संस्कृत में है। तो ये सबसे बड़ा प्रेम पत्र है भगवान को, तभी भगवान इस भौतिक जगत से हमारा हरण करेंगे। क्योंकि हमारी शादी भौतिक जगत से हो रही है, शिशुपाल, इसलिए कहते ना नफरत की दुनिया छोड़कर प्यार की दुनिया में। उस प्रकार यहाँ पर प्रेम की दुनिया में लेके जाने के लिए आए, क्योंकि ये साधारण संकीर्तन नहीं। ये जो द्वापर युग और कलयुग चल रहा है उसमें जो भगवान आए हैं वो साक्षात कौन है? स्वयं भगवान है, अवतारी कृष्ण। ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं,
28 युगों के बाद, तो कितना परम सौभाग्य है जो द्वापर युग चला गया उसमें खुद भगवान अवतारी कृष्ण आए थे, स्वयं भगवान, और उसके बाद जो कलयुग आती है उसमें वही भगवान भक्त के रूप में आते हैं। वो भगवान के अवतार नहीं महाप्रभु, वो साक्षात भगवान है। ब्रजेंद्र नंदन जयी सचि सुत होइलो सही, बलराम होइलो निथाई। अरे बाकी युगों में जो आते हैं कलयुग में युगावतार, वो संकीर्तन करने के लिए आते हैं, नाम संकीर्तन। लेकिन भगवान आने के बाद जो अगले कलयुग में वही भगवान भक्त के रूप में आते हैं, अवतारी कृष्ण, अवतारी महाप्रभु, स्वयं भगवान महाप्रभु आते हैं, तो संकीर्तन साधारण संकीर्तन नहीं, प्रेम संकीर्तन, ब्रज का प्रेम देने के लिए। क्योंकि भगवान ब्रज का प्रेम ना समझ पाए ना उसकी बराबरी कर पाए, और भगवान पे रून चढ़ चुका है। भगवान गोपियों को कहते हैं, जब अक्रूर के साथ पहली बार वृंदावन के बाहर कदम ले रहे थे, उस प्रसंग में भगवान खुद गोपियों को कहते, ना आपके प्रेम की मैं बराबरी कर सकता हूँ, ना मैं इसको समझ सकता हूँ, ना इसका ऋण अदा कर सकता हूँ। और वो ऋण अदा करने के लिए भगवान पे कभी ऋण हो सकता है? नहीं हो सकता। भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, लक्ष्मी के पति है, भगवान पे ऋण कैसे हो सकता है? लेकिन पहली बार भगवान पे ऋण छूट चुका, गोपियों का प्रेम। भगवान कहते ये यथा माम प्रपद्यते, लेकिन गोपियों के साथ प्रेम का आदान वो पूरी तरह से कर नहीं पाए, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए गोपियों का प्रेम, ब्रज का प्रेम। और आचार्य कहते हैं ऐसी कौन सी बात है जो भगवान को समझ में नहीं आती? सारे शास्त्र भगवान ने लिखे हैं, वेद पुराण, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहास में कोई चीज है जो भगवान से छुपी है, या कोई जीवात्मा से कोई चीज है जो भगवान से छुपी है? क्योंकि भगवान हरेक के अंतकरण में परमात्मा के रूप में विराज माने कि नहीं, 24 आवर्स, हाँ, वो क्या कर रहे, कैमरा बैठे है परमात्मा के रूप में। तो ऐसी कौन सी बात है जो जीवात्मा से छुप सकती? लेकिन भगवान यहां पर पहली बार करे, मैं एक चीज अब तक समझ नहीं पाया कि आपका प्रेम कितना गाढ़ा है, आपके प्रेम को समझ नहीं पाया हे गोपियों। और उसमें सबसे श्रेष्ठ गोपी है राधा रानी, उसको कहते आपके प्रेम की बराबरी मैं कभी नहीं कर सकता। और यही कारण है भगवान फिर से कलयुग में आते हैं वो गोपियों की भावना लेकर, विशेष करके राधा रानी की। इसलिए महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। क्यों आते हैं? वही श्रवण और कीर्तन की मिठास चखने के लिए। क्योंकि भगवान देखे आध्यात्मिक जगत में, गोलोक में, उनके प्रेमी भक्त गोपियां दो शब्दों का उच्चारण करते हैं, कृष्ण, विशेष करके राधा रानी, ये दो शब्द उच्चारण करने के बाद वो बेहोश हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। तो भगवान सोचने लगे मेरे नाम में मिठास क्या है, जय श्री मिथाई गौरचंद्र की, जय श्री राधा मदन मोहन की, रीता विशाखा देवी की, कृष्ण बलराम की। तो भगवान की तीव्रता, लालायता बढ़ गई, उत्कंठता बढ़ गई कि मेरे नाम में इतनी मिठास क्या है, 24 घंटा मेरा नाम कैसे ले सकते? भौतिक जगत में कोई चीज का नाम हम लगातार नहीं ले सकते, 5 मिनट 10 मिनट प्यास भी लगती है, हम पानी पानी करके हम प्यास बुझा नहीं सकते, 10-15 मिनट पानी पानी बोलते रहेंगे तो और प्यास बढ़ेगी, प्यास कम नहीं होगी। लेकिन भगवान का नाम इतना मीठा है कि उनके प्रेमी भक्त लगातार 24 घंटा कीर्तन या सदा हरी। तो भगवान जानना चाहते थे, इसलिए उनको भक्त के रूप में आना पड़ा। अगर भगवान के रूप में आते, बाकी सभी अवतार, बाकी सभी युगों में भगवान भगवान बनकर आते, लेकिन कलयुग में जब आते हैं तो छन्न अवतार। क्यों? क्योंकि भगवान बनकर आते हैं तो इस श्रवण कीर्तन की मिठास उनको पता नहीं चलती, भगवान के नाम की मिठास पता नहीं चलती। इसलिए वो मिठास को जानना है तो उनको भक्त बनकर ही आना पड़ता है, भक्त की भावना लेकर। और सबसे बड़ी भक्त कौन है? राधा रानी। टेक्निकली देयर इज ओनली वन डिओटी, दैट इज राधा। इसलिए महाप्रभु बनते हैं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। वही राधा रानी की भावना लेकर कलयुग में वो नाम की मिठास को जानने के लिए आते हैं।
इसलिए महाराष्ट्र के महान संत हैं जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, तुकाराम महाराज, वो एक सुंदर अभंग में बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्यों आए, किस प्रकार वो नाम की मिठास को जानने के लिए आए। तो एक अभंग में वो बताते कमल नी काय जाने परिमल, मतलब क्या है, कमल में क्या होती है, शहद होती है कि नहीं, हनी कहते क्या कहते, शहद, शहद होती है। तो कमल अपने शहद को खुद चख नहीं सकता, तो कमल की कभी कभी तीव्र इच्छा होती है अपने शहद को चखने की, लेकिन अपने आप नहीं चख सकता, इसलिए उसकी जब तीव्रता बढ़ती है तो उस कमल को क्या बनकर आना पड़ता है, भ्रमर बनकर आना पड़ता है। ऐसे भगवान को अपने ही नाम की मिठास को जानने के लिए भक्त बनकर आता है, भगवान बनकर आते तो पता नहीं चलता। या दूसरा उदाहरण बताते, गैया का दूध बहुत मीठा होता है, अमृत कहते हैं उसको, हमने बताया, तो गैया कभी भी सोचती है ये इस्कॉन के लोग हमारा ही दूध क्यों पी रहे, भैंस का क्यों नहीं पी रहे, भैंस का क्यों नहीं पीते हम दूध, क्या कारण है, गाय का क्यों पीना चाहिए, क्योंकि भैंस के समान बन जाएंगे हम। भैंस को देखा है 24 घंटा पानी में होते हैं, गंदे पानी में, और विशेष क्या है, भैंस के दूध की उसका जो पसीना होता है वो दूध में मिक्स हो जाता है, भैंस को पसीना छूटता नहीं कभी, उसके खून में वो पसीना मिल जाता है, उसका दूध बनता है, और उसके गुण पीने के बाद हम में आते, जैसा संग वैसा रंग, और आदमी भैंस के समान बन जाएगा। तो भैंस क्या है, कितना भी हॉर्न मारे रास्ते से हटती नहीं, अगर भैंस रास्ता क्रॉस कर रही है उस पार जा रहे रास्ते के, और बीच में रास्ते में आ गई, कितना भी जोर से हॉर्न मारो अपने हिसाब से चली गई वो। लेकिन वही गैया है, थोड़ा हॉर्न मारती भाग जाएगी, तो आदमी चलाक होता है। गैया का दूध पीने से शास्त्र समझने में हमें सहायता होती है, क्योंकि गैया के दूध में क्या है, 33 करोड़ देवताओं की कृपा है, गैया के शरीर में कितने देवता होते हैं, 33 करोड़। तो भगवान को गैया कितने प्रिय है, अगर अहोबिलम जाएंगे आप वहां पे जो नरसिंह का मंदिर है, वहां भगवान को कैसे उठाते मालूम है, किसने देखा है कैसे उठाते भगवान को, नरसिंह भगवान को, जब तक वो लक्ष्मी का दर्शन नहीं करते तब तक उठते नहीं, तो लक्ष्मी को तो नहीं ला सकते, लेकिन लक्ष्मी कहां वास करती है, गैया के पिछले भाग में जहां से मल मूत्र गिरता है, गैया का विष्ठा, वो पूंछ ऊपर करके भगवान को दर्शन करते, बाद में नरसिंह भगवान उठते हैं। और भगवान को गैया कितनी प्रिय है, सबूत क्या है, हर एक नाम भगवान का गैया से जुड़ा है, गोपाल, गोपाल का मतलब है गैयों की रक्षा करने वाले, गोविंद गैयों को आनंद देने वाले, उनके गांव का नाम क्या है, गोकुल, उनके धाम का नाम क्या है, गोलोक, देखिए। और पहली बार जब भगवान को गोचरण के लिए भेजा गया, क्योंकि यादव परिवार में यादव कहलाने के लिए ये प्रथा है, जब बच्चा 5 साल का होता है यादव कुल में तो उसको गैया चरानी होती है बछड़े, तो पहली बार उनको माँ यशोदा नहलाकर खिलाकर श्रृंगार करके गैयों को भेजने के लिए चराने के लिए भेज रही थी पहले दिन, तो उनके सामने सोने के जूते रखे, सैंडल, और कहने लगे ये पहन के जाओ, क्योंकि आपके नाजुक कितने कोमल चरण है, किंकर काटे चुभ जाएंगे, तो भगवान वो पहनने के लिए तैयार नहीं थे। तो माँ ने पूछा क्या हो गया, क्या समस्या है, क्या साइज बराबर नहीं, क्या पसंद नहीं आपको, तो कहते हैं जब तक हरेक बछड़े के पैर में सोने के सैंडल नहीं हो गए तब तक मैं नहीं पहनूंगा। तो इतना प्रेम करते थे भगवान। तो गैया को कभी कभी लगता है कि मेरे दूध की इतनी मिठास मुझे भी चखना चाहिए, लेकिन गैया चख सकते है क्या, कभी देखा है गैया को अपना मुंह पीछे करके अपने आंचल तक पहुंच रही है और अपना दूध पी रही है, सारी जिंदगी भर घूमती रहेगी लेकिन आंचल तक वो कभी पहुंच नहीं पाएगी, एक बूंद भी उसके मुंह में चली नहीं जाएगी। तो ऐसी गैया की जब तीव्रता बढ़ती है अपने दूध का मिठास चखने की, उस गैया को क्या बनकर आना पड़ता है, बछड़ा बनकर आना पड़ता है। ऐसे भगवान भक्त के रूप में आते हैं, बहुत सुंदर अभंग है तुकाराम महाराज का। उसी प्रकार भगवान कलयुग में आते हैं भगवान के नाम की मिठास को जानने।
और वो साधारण ये संकीर्तन नहीं करते, प्रेम संकीर्तन जो गोपियों के साथ भगवान ने लीला की है वही उसका एक्सटेंशन क्या है, ये हरे कृष्ण महामंत्र, हरिनाम संकीर्तन और कुछ नहीं। गोपियों के साथ भगवान ने जो लीला की है, ब्रज की लीला, रास लीला, वही प्रेम, ब्रज का प्रेम हमें किसके द्वारा दे रहे हैं, भगवान हरे कृष्ण महामंत्र के। और ये सब जीवों को बांटकर वो गोपियों के प्रति जो ऋण था वो अदा कर रहे हैं। तो देखिए हमारा कितना परम सौभाग्य है। प्रभुपाद कहते हैं सिर्फ 530 साल पहले ये भगवान आए थे और उनकी कृपा से हमें ये महामंत्र मिला है जो और कुछ नहीं ब्रज का प्रेम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हे राम हरे राम राम। तो आज आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि आध्यात्मिक जीवन में अभी क्या सुनना है, मन को सुनना नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में जब तक आए नहीं तब तक किसका सुन रहे थे हम, खुद के मन का। तो मन का में सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि मन क्या है, सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, मन मौजी माया का फौजी। इसलिए हम गुरु पूजा में क्या कहते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करी आई के आर ना करी हो मनाशा, क्योंकि मन का सुनने का समय निकल चुका है। अभी आध्यात्मिक जीवन में आने का मतलब क्या है, मन का सुनने का समय निकल चुका है, अभी मन को सुनाना है ध्यान पूर्वक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। ये तो भागवतम कहते हैं मन का सुनेंगे तो क्या बनेंगे, मंकी, क्योंकि भागवत में मन को उपमा दी गई है, तुलना की है मंकी से। मंकी को क्या कहते हैं हिंदी में, बंदर, और बंदर को इंग्लिश में कहते हैं मंकी। तो मन को बंदर क्यों कहे, कोई तो कारण होगा, क्या कारण है मन को बंदर क्यों कहे, हमेशा छलांग मारता है बंदर के समान। बंदर क्या करते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक डाली से दूसरी डाली, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, छलांग मारता है। ऐसे मन एक विचार से दूसरे विचार, एक भावना से दूसरी भावना, हाँ हमेशा छलांग मारते होते हैं, एक जगह बैठ नहीं सकता। इसलिए मन को क्या कहते हैं, बंदर, और बंदर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मंकी। बहुत अच्छा शब्द दिया है, मन की का मतलब है जो मन की सुने, मन की बनेगा। और हम डार्विन को सिद्ध करेंगे, हम बंदर से आए। इसलिए यहां पर कहते हैं मन का सुनना नहीं, क्योंकि मन का जो सुनेगा वो मंकी बनेगा, मन का जो कहेगा वो मंकी बनेगा। आध्यात्मिक जीवन में हमें क्या करना है, साधु गुरु शास्त्र को सुनना है प्रामाणिक, और उस पर मनन चिंतन करके उसको जीवन में उतारना है। इसलिए भगवान की कृपा से माता के गर्भ में ही हमारी भक्ति शुरू हो सकती है। इसलिए भक्ति क्या है, कोई भौतिक बाधा नहीं है भौतिक में, भक्ति में किसी भी अवस्था में आप भक्ति कर सकते हैं। फ्रॉम ऊम टू टूम कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, फ्रॉम ऊम टू टूम। ऊम का मतलब क्या है, गर्भ, टूम का मतलब क्या है, कब्रस्थान। तो मां के गर्भ से लेकर कब्रस्थान तक भक्ति संभव है, और इसके सभी उदाहरण बताए गए भागवत में, क्योंकि मनुष्य के जीवन में छह अवस्था होती है जिसके द्वारा वो गुजरना होता है। पहली अवस्था क्या है, माता के गर्भ में जाना, बाद में माता के गर्भ से बाहर निकलना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, ये छह अवस्था होती है। अरे किसी भी अवस्था में भक्ति कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि माता के गर्भ में ही भगवान इतने कृपालु है। सबसे पहली इंद्रिया देते हमें माता के घर में, कौन सी इंद्रिया है, सुनने की, और इसके ज्वलंत उदाहरण है भागवत में, कौन बताएगा, तीन चार उदाहरण है। माता के घर में रहकर ही सिर्फ भगवान के बारे में सुनकर महाभागवत बने, प्रहलाद महाराज और परीक्षित महाराज, सुखदेव महाराज, अभिमन्यु, चार उदाहरण है, एक नहीं चार उदाहरण बताए कि भगवान की कितनी अनुपम भेंट है, देखिए कृपा है। पहली इंद्रिया जो भगवान देते हैं वो सुनने की इंद्रिया, उसके बाद हम देखते हैं बचपन में किसने भक्ति की,
ध्रुव महाराज कितने साल के थे? 5 साल के। खेलने कूदने का समय था। नारद ने कहा भी, जब वो माँ से पूछे कि मुझे ऐसी कौन जगह दे सकता है जहाँ से मुझे कोई हिलाए नहीं, तो माता ने कहा सिर्फ भगवान कृष्ण दे सकते हैं आपको, विष्णु। तो कहाँ मिलेंगे? उत्तर दिशा में जंगल में जाओ, फॉरेस्ट। तो 5 साल के बालक घर से निकल पड़े, कहाँ? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब क्या? रेस्ट करने के लिए नहीं, फॉरेस्ट नहीं, भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन उनकी तीव्रता देखकर उनके जीवन में कौन आए? गुरु महाराज आए। जितनी हमारी तीव्रता होगी उतनी जल्दी हमें गुरु मिलेंगे। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्त। गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं, गुरु आपका दरवाजा ठकठकाते हुए आपके पास आएंगे। उदाहरण क्या है? ध्रुव महाराज, जब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा तीव्रता बढ़ गई। ध्रुव का मतलब क्या है? तीव्रता, दूरता। तो ज्वलंत उदाहरण है कि गुरु को ढूंढने की हमें जरूरत नहीं, भगवान आपके पास गुरु को भेज देंगे। तो 5 साल के बालक भगवान को प्राप्त करना चाहते थे, तो भगवान ने उनके जीवन में कौन भेज दिया? गुरु को भेज दिया। गुरु ढूंढते हुए शिष्य को जंगल में जब जा रहे थे तो उनको कहे, आप तो 5 साल के बालक हो, खेलने कूदने का समय है, घर जाओ वीडियो देखो। लेकिन वो कहने लगे, नहीं, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, अगर भगवान की प्राप्ति में मुझे मदद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो साइड प्लीज। क्योंकि गुरु महाराज ने उनकी परीक्षा ली, होती कि नहीं, दीक्षा के पहले परीक्षा, इनिशिएशन टेस्ट, ऐसे उन्होंने देखा कितनी तीव्रता है। तो परीक्षा में पास हुए तब उन्होंने उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव। और कितने महीने जप किया? 6 महीने। 6 महीने में क्रैश कोर्स। 20 साल से हम कर रहे कोर्स, कोर्स पूरा नहीं हो रहा है, हम क्रैश हो रहे अभी। लेकिन दृढ़ता थी, गुरु महाराज के वचनों पर विश्वास था। पहले महीने में खाना बंद किया, दूसरे महीने में पानी पीना बंद किया, तीसरे महीने में जो कंदमूल खा रहे थे वो बंद किया, चौथे महीने में जो पत्ते खा रहे थे वो बंद किया, पत्ता कट कर दिया, 5वें महीने में सांस लेना बंद कर दिया। उसके कारण उनके दिल में जो परमात्मा थे उनकी सांस बंद हो गई, और जब परमात्मा की सांस बंद हो गई तो सारे देवताओं की सांस बंद हो गई। सब भागते भागते हुए भगवान के पास आकर कर ले, ये बच्चे को जो चाहिए वो दे दो, हमारी सांस शुरू करो फिर से। तब भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो देखिए कितनी शक्तिशाली है ये विधि। उसके बाद जवानी में अमरीश महाराज, पांडवों ने भक्ति की, बुढ़ापे में विदुर के कहने पर धृतराष्ट्र ने स्वीकार किया, और मृत्यु के समय किसने पुकारा? किसने पुकारा? अजामिल। क्योंकि सारी जिंदगी भर पाप ही कर रहे थे, 3 प्रकार से। वेश्या को संभालना इतना आसान नहीं था, वेश्या का लिपस्टिक पाउडर रंग बिरंगे कपड़े कितने महंगे होते हैं कि नहीं, तो उसके लिए वो चोरी डकैती करने लगे, गांव को लूटने लगे, जब गांव खाली हो गए तो आसपास के गांव में जाकर डकैती करने लगे। और वेश्या से इतने आसक्त थे, 90 साल में 10वां पुत्र, सोचिए, कभी सुना है किसी व्यक्ति को 90 साल में 10वां पुत्र हो गया? तो कितने आसक्त होंगे वेश्या के प्रति। तो 10वां जो पुत्र वेश्या के गर्भ में था तो ये चतुर्मास का महीने थे, 4 महीने। और उस समय अजामिल सारे गांव को लूटने के बाद, गांव में कुछ बचा नहीं था, दूसरे गांव में डकैत करने के लिए गए थे चोरी। उस समय साधु उनके गांव में आए चतुर्मास करने के लिए। गांव में आकर गांव का जो मंदिर था उस मंदिर के सामने बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों को पूछा इस गांव में साधु कौन है जिसके घर में हम भोजन ले सकते हैं। तो बच्चों ने मजाक में कहा, अजामिल से बड़ा आपका साधु इस गांव में नहीं मिलेगा। और उनको सचमुच लगा कि वास्तव में साधु है। उसके घर गए, अजामिल तो घर में नहीं था, चोरी डकैत करने के लिए दूसरे गांव चला गया था। तो ये वेश्या थी जिसके घर में 10वां पुत्र था। साधु ने उनको विनती की, हमारे लिए भोजन बनाइए। तो अबला होने के बावजूद, गर्भवती होने के बाद भी उसने साधुओं के लिए भोजन बनाया। लेकिन वो भोजन खाने के बाद साधुओं को पता चला कि हमने सबसे बड़ा पाप किया है। क्या किया है?
ये सबसे बड़ा पापी व्यक्ति का घर आजा मिलका, और उससे बड़ा पाप क्या है, वेश्या के हाथ का हमने भोजन खाया है। लेकिन उनको खुशी हो गई, अबला होने के बाद, गर्भवती होने के बाद भी स्त्री ने हमारे लिए भोजन बनाया। इसलिए एक वचन मांगा कि जो भी आपके घर में पुत्र है उसका नाम आप जरूर क्या रखना, नारायण, आपका, आपके पति का, आपके कुल का उद्धार करे, इसलिए उसका नाम नारायण रखा गया। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमारे बच्चों का नाम भी भगवान से संबंधित होना चाहिए, है कि नहीं? पहले जमाने होते कि नहीं, अर्जुन, द्रौपदी, कृष्ण, बलराम, वासुदेव, लेकिन आजकल इसके नाम नहीं होते हुए, विशेष करके लड़कियों के, लड़कियों के नाम क्या होते हैं आजकल, पिंकी, टिंकी, डोंकी। बच्चे का नाम डोंकी होगा तो क्या पूछेंगे, पुकारेंगे, मृत्यु के समय डोंकी डोंकी पुकारेंगे तो क्या होगा, यम यम वो आप स्मरण भाव, डोंकी बनकर आएंगे फिर से। इसलिए पहले जमाने बहुत अच्छी प्रथा थी, एक दूसरे को मिलते थे तो भगवान की याद दिलाते थे, है कि नहीं, जय श्री राम बोलते थे या जय श्री कृष्ण बोलते थे, या हम इस्कॉन में क्या बोलते हैं, एक दूसरे को मिलते तो हरे कृष्ण बोलते हैं, बाहर के लोग क्या बोलते हैं, हाय हेलो, हाय का मतलब क्या है, तुम्हें देखकर हाय हाय हो रही है और हेलो का मतलब क्या है, तुम्हें देखकर नरक की याद आ रही है, हेल ओ हेल का मतलब क्या है, नरक आ गया, फिर नरक चलता फिरता नरक आ गया हेलो। इसलिए इस्कॉन में नारा क्या है, हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। यहां भक्त साधारण तक क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा छोड़कर हरी बोल, हरी बोल का मतलब है मुंह खोल मृत्यु कभी भी आ सकती है, हरी बोल हरी बोल, यही है अल्टीमेट गोल। तो इस प्रकार प्रभुपाद कहते हैं नारायण राम रखा है उसका, खाते पीते बैठते उठते सोते नारायण नारायण नारायण, सुकृति शुरू हो गई उसकी। और अंत में जब मृत्यु का समय आया तो सारी जिंदगी भर तीन प्रकार से पाप किए थे, काया वाचा मनसा, शरीर मन बुद्धि से पाप किए थे। इसलिए वर्तमान आचार्य कहते हैं अजामिल BMW कार लेकर नरक की तरफ भाग रहा था फुल स्पीड में। गाड़ी कौन सी थी, BMW का मतलब है बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, एक गाड़ी लेकर भाग रहा था, लेकिन उसकी भाग्य क्या थी, उसके बच्चे का नाम नारायण था। तो इतना आसक्त था मृत्यु के समय एक नहीं दो नहीं तीन यमदूत देखकर, साधारणतः एक यमदूत देखकर आदमी मलमूत्र एक साथ त्याग देता है पहली बार जिंदगी में मृत्युशैया पर, लेकिन यहां पर एक नहीं दो नहीं तीन यमदूत देखकर इतने घबराए, घबराहट में किसको पुकारा, सबसे प्रिय वह छोटे बच्चे को, नारायण। और कितने अक्षर होते हैं नारायण में, इसलिए पहले तीन यमदूत आए क्योंकि तीन प्रकार से पाप कर रहे थे, काया वाचा मनसा। अभी चार विष्णुदूत क्यों आए, कारण क्या है, क्योंकि चार अक्षर बोले। तो प्रभुपाद कहते हैं चार अक्षर बोले तो चार विष्णुदूत आए। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र में कितने अक्षर बोल रहे हैं, 16 शब्द है, अक्षर कितने, 32। तो प्रभुपाद कहते हैं ट्रैफिक जाम हो जाएगा आपको बचाने के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इसलिए ये श्रवण और कीर्तन की विधि इतनी शक्तिशाली है, जाने अनजाने भी भले उसने पुत्र को पकड़ता लेकिन भगवान ने उसको गंभीरता से लिया। जय शिशिनिथाय गौरचंद्र की, जय श्री राधा मदन मोहन भगवान की, ललिता विशाखा देवी की, कृष्ण बलराम की। और अंतिम जो इंद्रिया भगवान हमसे छीन लेते हैं वो कौन सी है, फिर से सुनने की इंद्रिया। मृत्यु के पहले भगवान हमसे वापिस लेते हैं कि सभी निकाल कर छीन कर, वो इंद्रिया कौन सी है, अंतिम इंद्रिया लेते हैं सुनने की। तो भगवान अंत तक हमें मौका देते हैं, मां के गर्भ से लेकर अंतिम क्षण तक हमें सुनने का मौका देते हैं। देखिए कितना, जब शरीर को अग्नि पर रखते हैं तो कौन सी इंद्रिया पहले आग की लपेट में आती है, सबसे नाजुक कौन सी होती है, जो मुंह में है, जीवा, क्योंकि उसको हड्डी नहीं। तो तुरंत
जो आवाज आती है ना चर्र करके आवाज आती है ना, वो क्या है, जैसे अग्नि पे रखते जीवा पिघल जाती है, चर्बी होती है। इसलिए सुंदर भजन में गाते हैं कि जब तक जीवा है तब तक हमें भगवान का नाम इस जीवा से लेना चाहिए, क्योंकि ये विशेष जीवा है। कुत्ते बिल्ली की जीवा भगवान का नाम नहीं ले सकती, मनुष्य जीवन में जो भगवान ने दिए जीवा वही भगवान का नाम ले सकते। इसलिए सुंदर भजन में गाते हैं कि पखी सकल नाम बोलते पारो केनो हरे कृष्ण बोलो ना। सब बंगाली जानते हैं, यहां पर मतलब क्या हो गया इसका, मनुष्य को पक्षी की तुलना दी है, मनुष्य को पक्षी की। पक्षी सकल नाम बोलते पारो, वो कवि कह रहे कि कितने शब्द तुम बोलते हो दिन भर। सोचा है कभी, जब बिस्तर से उठते हैं वहां से लेकर रात को ऑफिस बिस्तर में सोने के लिए जाते हैं, दिन भर हम कितने शब्द बोलते होंगे इस जीवा से। किसने लिख के रखा है कितने शब्द बोले, कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, जब तीन शब्द बोलने की बारी आती है तो जीवा क्यों नहीं उठती, प्रश्न कर रहे हो। पखी सकल नाम बोलते पारो केनो हरे कृष्ण बोलो ना। हरे कृष्ण महामंत्र में क्या है, कितने शब्द है, 16 शब्द है, लेकिन मूल शब्द कितने हैं, राम कृष्ण और हरे। ये तीन शब्द बोलने की जब बारी आती है तो जीवा क्यों नहीं उठती, ये राज क्या है गहरा पूछना चाहिए। जीवा उठती नहीं जल्दी, इसलिए वो अंत में इस भजन में गाते हैं, पखी रे तोरे मरण काले थे चरबी वासर दोलाते, चार जने थे कांधे कोरे लोए जाबे स्मशान घाटे, ओ रे तोर मुखे आगुन जीवे तुले की करे बे ताई बोलो ना। मतलब क्या हो गया, पखी रे तोरे मरण करते, जब आपकी मृत्यु के समय आएगी, मृत्यु के बाद आपको क्या करेंगे, चार लोग कांधा देकर कहां लेकर जाएंगे, बड़े प्रेम से बोलते हुए। मालूम कहां से उत्साह आती है, जिंदगी भर कभी बोलेंगे नहीं लेकिन मरने के बाद बोलेंगे। ऐसे एक बच्चा अपना पिता का हाथ पकड़कर सब्जी मंडी में जा रहा था, तो सामने से क्या देखा, अंतिम यात्रा आ रही थी, लोग क्या कहते उसको, राम नाम सत्य बोलते हुए जोर जोर से। तो बच्चे ने पूछा, पिताजी पिताजी ये सब लोग बोल रहे हैं, जो आदमी ऊपर सोया है कंधे पर वो क्यों नहीं बोल रहे। तो पिता ने कहा, बेटा ये मुर्दा है, मुर्दा कभी बोल नहीं सकता। तो बच्चे का अगला प्रश्न था, ये मुर्दा है तो उसको क्यों सुना रहे।